रजक महासंघ ने सागर की घटना के विरोध में सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों सागर जिले के गौर झामर थाना क्षेत्र के पाटन खुर्द में रजक समाज की महिला को दबंगों द्वारा खंभे से बांधकर मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके विरोध में रजक महासंघ ने ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की है। साथ ही साथ आरोपियों का बचाव करने वाले और आरोपियों पर मामूली धारा लगाकर उनका बचाव करने वाले थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। रजक धोबी समाज का क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर मध्य प्रदेश में एक समान धोबी रजक समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज कराने वाला अनुसूचित जाति हेतु क्षेत्रीय बंधन समाप्त करने भारत सरकार का राज। आज हमने रजक समाज की महिला जो पटना खुर्द की रहने वाली है जिला सागर में, उसके साथ तथाकथित कुछ दबंगों द्वारा महिला के साथ खम्भे से बांध कर उसके साथ मारपीट की गई है, जबकि विगत दिनों उसकी नाबालिग बच्ची को उन दोषियों द्वारा छेड़ा गया था, जिसकी भी आवेदन दिया जा चुका था। लेकिन जब वो थाने गए तो थाना प्रभारी द्वारा उन दबंगों को बचाते हुए लीपापोती की कार्रवाई करके दबंगों को छोड़ दिया गया, उनको न्याय नहीं मिला। आज हम रजक समाज अखिल भारतीय रजक महासंघ के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि जो हमारी महिला के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी न्याय जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस थाना प्रभारी जिसने उन दोषियों को बचाने की कोशिश की है उसको अपने पद से निलंबित किया जाए।